अस्सलाम वालेकुम जी, आज का हमारा टॉपिक है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। इससे पहले हमने टाइम इंडिपेंडेंट देखी थी, उसके दो केस देखे, डीजनरेट नॉन डीजनरेट। तो आज हम देखने वाले हैं टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो टाइम डिपेंडेंट में क्या है कि जब हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी देखते हैं तो हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम जिसमें हैमिल्टोनियन के पास कुछ एक ऐसा हिस्सा होगा जो टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा, तो उसे हम सॉल्व करेंगे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी से। लेट्स से जब हम एक फ्री पार्टिकल को देखते हैं, फ्री पार्टिकल वो जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, सम ऑफ फोर्सेस उस पे जीरो है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं, योटा एच कट पार्शियल साइन आर्ट पार्शियल टी बराबर है एच नॉट साइन आर्ट के। लेट्स से साइन आर्ट उसकी स्टेट है फ्री पार्टिकल की, एच नॉट उसका फ्री पार्टिकल का हैमिल्टोनियन है, यानी टोटल एनर्जी वाला जो कंसेप्ट आ जाता है। अगर हम कहें कि कोई पोटेंशियल वहां पे मौजूद है तो वो पोटेंशियल पोजिशन और टाइम पे डिपेंड करेगा, तो हैमिल्टोनियन फिर क्या हो जाएगा, एच जो ऑपरेटर है वो बराबर आ जाएगा एच नॉट प्लस वी एक्स टी। अब देखा आपने हैमिल्टोनियन का एक हिस्सा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, टाइम पे, तो इसीलिए इसे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के तौर पे हम देखेंगे। तो अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किस रूप पे लिखी जा सकती है, योटा एच कट पार्शियल साई टी ओवर पार्शियल टी बराबर आ जाएगा, आपने एच की वैल्यू डाल दी एच नॉट प्लस वी एक्स टी इंटू साई टी। अब आप इसका जो स्टेट है वो आप एक्सपेंड कर सकते हो किस तौर पे, समेशन एन ए एन टी, यानी एक ऐसा कांस्टेंट फैक्टर जो टाइम पे डिपेंड करेगा, और साई एन एक्स जो एक्स पे डिपेंड करेगा ई की पावर माइनस योटा ई एन टी ओवर एच कट। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल है, टाइम डिपेंडेंस कोफिशिएंट जो है आपके पास ए एन वो आपके पास यानी इस पोटेंशियल की वजह से है। तो जैसे मैंने कहा कि आप साई की वैल्यू इस मेजेंडा कलर में हाईलाइट किया हुआ है वहां पे डाल दोगे। अब आपके पास ये पार्शियल ओवर पार्शियल टी, आपने इस फैक्टर में देखना है टी कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ये ए एन टी यानी ए एन आपके पास टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल में टी आ रहा है, तो इसका ना प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले हम इस पे लगाते हैं, मैंने कलर हाईलाइट कर दिया कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैंने अगले को प्लस योटा वो सारा फैक्टर लिख के इसको डिफरेंशियल करके लिख दिया है कि ये इसको डिफरेंशियल करके आएगा। फिर ये एच नॉट प्लस वी एक्स टी है, ये दोनों से जरब खा देगा बारी बारी, मैंने अलग करके लिख दिया इस चीज को, यानी कि ये पूरा फैक्टर पहले एच नॉट से जरब खाएगा फिर ये पूरा फैक्टर वी एक्स टी से जरब खाएगा। अब आपके पास अगर आप इसमें देखो, इस पूरे फैक्टर में एक्स वाला कोई टर्म थी तो वो आपके पास फाई थी, तो मैंने उसके साथ इसे लिख दिया इस तौर पर। अच्छा, अब आपके पास ये फैक्टर है एच कट से कट जाएगा, योटा योटा से जरब खाएगा, योटा स्केयर माइनस वन होगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ ई एन बचेगा, ई एन को मैंने साथ में लिख दिया इस चीज के इस तौर पे। अगर आप इस फैक्टर को जिसके ऊपर मैंने बॉक्स डाला है इसको देखें और इसको देखें तो ये आइडेंटिकल है, तो ये तो कट जाएंगे क्योंकि इक्वालिटी के दूसरी तरफ है, बाकी जो फैक्टर बचेगा वो इधर लेके, ये जो आपके पास डिफरेंशियल था इसे मैंने डॉट डाल दिया, आपको शायद छोटा सा नजर आ रहा हो, एन के ऊपर एक डॉट डाला हुआ है, तो ये डिफरेंशियल शो कर रहा है, ठीक है। वीटी को मैंने अंदर कर दिया है। अब आपके पास क्या करो कि फाइव एफ से आप मल्टीप्लाई कर दो होल स्पेस पे, इंटीग्रेट कर दो, मैंने फाइव एफ से मल्टीप्लाई करके होल स्पेस पे इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, आप इंटीग्रेशन देख सकते हैं। तो अब आपके पास ये सारी चीज जो बाकी बचेगी दिस वन, इन दोनों को जब आप डिफरेंशियल देखोगे तो वो डेल्टा एफ एन मैंने लिख दिया है, और इधर आप इसका वो बना लोगे कैटप्रा की सूरत में कि फाई एफ वी टी और फाई एन आ जाएगा। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है कि आपके पास ये सारी चीज जो है ये वन के बराबर हो जाएगी डेल्टा वाली, और ये जो चीज हाईलाइट की हुई है इस सारे को आप वी एफ एन टी लिख सकते हो, वो मैंने वी एफ एन टी लिख दिया है जो कि मैट्रिक्स एलिमेंट होगा वी टी का, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसके बाद आयोटा एच कट ए डॉट एफ टी और ये पूरा फैक्टर जो था इसको नीचे हाईलाइट कर दिया इस तौर पे, यानी ये वैल्यू इसमें प्लेस करके नीचे ले आए हैं। अब क्या है कि आपने ए एफ नॉट को इधर रखना है, बाकी चीजें दूसरी तरफ ले जानी है, जब वो बाकी चीजें दूसरी तरफ जाएंगी तो ये इस शक्ल में आ जाएगा आपके पास, ये ई एफ है ये ई एन है, इनका माइनस हो जाएगा, जाहिर एक्सपोनेंशियल है तो दूसरी तरफ जाके ये एच कट दूसरी जाके डिवाइड हो जाएगा, आयोटा भी दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, उसे ऊपर लाया जा सकता है यानी सिंपल अलजेब्रा के जरिए। फिर आपके पास ये एफ डॉट आ गया। अगर हम कहें कि अगर आप पोटेंशियल से पहले तो पार्टिकल आइगन स्टेट फाई आई जो होगा वो एच नॉट स्टेट में होगा, जब टी इक्वल टू माइनस टी बाई टू ले लेंगे तो ए एन टी बराबर आ जाएगा ए एन माइनस टी बाई टू, इसे डेल्टा एन आई के तौर पे देखेंगे, डेल्टा एन आई वन है तो इसका ना ये सारी चीज वन के बराबर हो जाएगी। और अगर हम इक्वेशन वन पे दोबारा चले जाएं तो वही चीज जो हमने देखी थी ए एफ डॉट, जैसे मैंने ये इक्वेशन वन कहा हुआ है, तो
आपने क्या किया कि इस सारे पे FIT लगा दिया, अब आपके पास में टी प्राइम कर दो, इस टी को भी टी प्राइम कर दो, इसके साथ जो डी टी है उसकी इंटीग्रल लिया ना आपने कहां से, माइनस टी बाई टू से टी तक, तो ये डी टी प्राइम आ जाएगा। अगर आप फाइनल स्टेट देखते जो पहले नेगेटिव चल रही थी, अब टी बाई टू आ गई, तो वो आपने वैल्यू डाल दी इस जगह पे, इस जगह पे जब आप जानते हैं VFT की वैल्यू, वो आपने यहाँ पे प्लेस कर दी है। ये सारी चीज जो है TF जो आपके पास आई है, इसे हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल कहेंगे कि कहाँ से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की जानिब। तो हम कंसीडर करेंगे कि जब पर्टर्बेशन आपकी जीरो होगी तो ये जो आपके पास कांस्टेंट ओवर द पीरियड है वो इस पीरियड के अंदर कांस्टेंट रहेगा, यानी वी टी जीरो रहेगा इस इंटरवल के अंदर। तो आपके पास गिवन इंटरवल में जो पर्टर्बेशन है वो आपके पास यानी वी बहुत वीक है, यानी आपने जीरो ही मानना उस चीज को, तो इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी कि आपने ये पूरा फैक्टर खत्म करके इसको इस रूप में ले लिया है, तो आपके पास आयोटा ओमेगा एफ टी इंटी इंटू डी टू आ जाएगा। आप इस सारे को इंटीग्रल ले लोगे तो आपके पास इस चीज को ई की पावर आयोटा ओमेगा एफ टी के यानी लिमिट्स वाला केस आ जाएगा। आयोटा बाहर लाया जा सकता है, कट जाएगा, ओमेगा एफ टी बाहर लाया जा सकता है, वो मैंने बाहर लिया, फिर आपने लिमिट सप्लाई कर दी है, लिमिट सप्लाई करके ये जो चीज आएगी इसे टू आयोटा साइन ओमेगा एफ टी बाई टू लिखा जा सकता है। फिर ओमेगा एफ टी अंदर ले आए, दोनों साइडों का स्केयर कर लिया आपने, जब ये स्केयर कर लिया तो ये सारे फैक्टर स्केयरिंग पैटर्न पे आ गए। इस सारी चीज को जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, इस सारे को हम एफ चाई टाक लिख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। तो एफ चाइटा इज मैक्सिमम होगा जब ये अप्रोचेस टू जीरो होगा, ठीक है। तो आप इसमें यानी अप्रोचेस टू जीरो करने का मतलब है इस फैक्टर में अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो आपके पास ये टी स्केयर बाई फोर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास जब ये जीरो हम इसे कंसिडर करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस टू एन पाई बाई टी, यानी हमें इसकी वैल्यू पता लग गई। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये आपके पास यानी टी इन्फिनिटी पे जाएगा जब वो मैक्सिमम होगा, तो ये एप्सिलॉन जीरो होगा तो उस वक्त वो वेरी शार्प हो जाएगा, जैसे मैं नीचे तस्वीर में दिखाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई टी बाई टू डेल्टा चाहिए आ जाएगा, तो एनर्जी जो कंजर्वड होगी ट्रांजिशन के अंदर वो आपके पास जीरो हो जाएगी, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अनसर्टनिटी जो है इम्प्लाई वो करेगी कि इनफाइनाइट टाइम सेपरेट हो जाएगा और जो आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट में, तो आप कहेंगे फिजिकली जो आप है कि वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी अहम नहीं है बल्कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट अहम इंपॉर्टेंट है। जैसे वो जो हम बात कर रहे थे वो ये है कि ये कर्व आपकी शार्प हो जाएगी, बहुत इनफाइनाइट हो जाएगी, कब, अगर आप उसे अप्रोचेस टाइम को करते हो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो आपके पास वो एक बड़ा शार्प और जीरो हो जाएगी यानी जब आपके पास ये फैक्टर ये आ जाएगा। अच्छा, तो अब आपके पास वी एफ टी आ जाएगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ले लिया आपने। अब डेल्टा एक्स हम जानते हैं, डेल्टा एक्स ओवर मॉड एक्स लिखा जाता है, उसी सोच पे हमने इसे इस तरह पे लिख दिया है। अब आपके पास आप वी एफ टी को ओपन करके लिख सकते हैं, एफ वी एफ आई इंटू टी का स्केयर आ जाएगा, चूंकि उसका स्केयर है सारे का सारा। फिर आपने क्या किया कि सारे में से एच कट को सॉल्व कर लिया है, पहले भी हमने इसे यानी लिखा है, तो ये वैल्यू इस तौर पे आ जाएगी। इसको हम फर्मी गोल्डन रूल वन कहते हैं। फिर अगर हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट की जुबान में इसे समझाना चाहें, वो फर्मी गोल्डन रूल टू हो जाता है कि आपके जो नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स हैं जो आपके पास एनर्जी रेंज में लाई करेंगी वो ई एफ और ई एफ प्लस डी एफ रेंज में होंगी। तो एन एफ जो आप एनर्जी यानी स्टेट्स हैं फाइनल, वो रो ई एफ इंटू डी ई एफ लिखा जा सकता है। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम को हम अगर डिफाइन करें उसी तरीके से तो आप इस तौर पर लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने वो वैल्यू प्लेस कर दिया है। ये सारी चीज सारी की सारी एफ पे जैसे बनती है तो यहाँ पे रो ई वन आ जाएगी, इसको हम फर्मी गोल्डन रूल टू बोलेंगे। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।